स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आप हमारी वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ कब से संपन्न कराई जा रही हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं पूरी खबर आपको हम बताने वाले हैं कि आपकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होनी कानपुर यूनिवर्सिटी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च में संगठित यानी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। और आपको बता दें दोस्तों जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं वो नवम्बर दिसंबर माह में आयोजित कराए जाते हैं और अप्रैल माह में भी आयोजित कराए जाते हैं। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन होते हैं दोस्तों वो फरवरी मार्च और अप्रैल माह में आयोजित कराए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है वो फरवरी माह के प्रथम हफ्ते या फिर सेकंड हफ्ते में आने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर नीलमा ने बताया है कि जल्द ही कानपुर यूनिवर्सिटी का स्कीम कानपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। विद्यार्थी यथाशीघ्र इंतज़ार कर लें कुछ टाइम का और अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं वो तैयारी करते रहें, आपकी स्कीम आने वाली है दोस्तों। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बता दें दोस्तों आपकी परीक्षाएँ 26 फरवरी से स्टार्ट होकर 10 अप्रैल 2019 तक चलेंगी। दोस्तों हम बता रहे हैं दोस्तों अमर उजाला खबर के मुताबिक हम आपको बताए हैं दोस्तों। और आज जो ऑफिशियल अपडेट दिया गया उसमें दिखाया गया है 5 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक आपकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। और साथ ही साथ बता दें आपकी जो प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाएं हैं वो दिनांक 2 फरवरी से के आसपास स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो उनकी भी तैयारी करते रहिए दोस्तों, जो आपकी प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाएँ हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी स्कीम आने वाली है दोस्तों, आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा दोस्तों। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो ये जो बहुकल्पी एग्ज़ाम है किस टाइप से होगा। हम बात कर लेते हैं बीए प्रथम एवं बीए सेकेंड ईयर एवं बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमने अपने कॉलेज से लिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ परीक्षाएँ संपन्न कराई जाएंगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष में बात करें दोस्तों तो अर्थशास्त्र का प्रथम पेपर बहुविकल्पी होगा, वहीं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो उसका पेपर भी प्रथम बहुविकल्पी होगा। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो उसका पेपर प्रथम ऑब्जेक्टिव होगा, और भूगोल की बात करें तो उसका पेपर भी प्रथम ऑब्जेक्टिव होगा। हिंदी साहित्य की बात करें तो उसका पेपर द्वितीय पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इतिहास का बात करें दोस्तों तो इतिहास का प्रथम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। गृह विज्ञान का बात करें तो द्वितीय पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और राजनीति की बात करें राजनीति विज्ञान के तो उसका पेपर प्रथम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और संस्कृत की बात करें तो उसका पेपर प्रथम ऑब्जेक्टिव होगा। समाजशास्त्र की बात करें तो उसका पेपर प्रथम ऑब्जेक्टिव होगा। सेकंड उर्दू की बात करें तो उर्दू का द्वितीय पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों बीए सेकंड ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं अर्थशास्त्र का पेपर द्वितीय पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पर देख सकते हैं इतना बताने लगेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, सारे यहाँ पे देख सकते हैं। बीकॉम का भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव इन विषय का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कौन सा पेपर कौन सा प्रश्न पत्र है, जो तीय है प्रश्न पत्र प्रथम है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीकॉम का है। और वहीं पे बीएससी वालों का भी देख सकते हैं, विज्ञान वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं उनका दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बहुकल्पी प्रश्नों का पेपर होगा दोस्तों, जो 2019 में परीक्षा होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।